ओम शांति। अमृत वेले के सुबह के सत्र में बाबा के सभी महावीर आत्माओं का स्वागत है, विशेष आत्माओं का स्वागत है। सत्र गुरुवार के दिन की और जन्माष्टमी के दिन की सबको बहुत बहुत बधाइयां हो। आज की मुरली है 9/12/1975 की मुरली है। मुरली का टाइटल है महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं। जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है, बाबा ने कहा महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं। तो इसमें बाबा ने महावीर आत्माएं और विशेष आत्माओं की विशेषताएं बताई हैं, और विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता कौन सी होती है वो बताया है। पहली विशेषता बाबा ने बताई कि बाबा ने जो एक ही समय सबकी एक रस एक स्थिति हो, अर्थात कि जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहें उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो सके। जब तक संगठन की स्थिति की प्रैक्टिस नहीं तब सिद्धि नहीं। संगठन में हलचल तो सिद्धि में हलचल। फिर बाबा ने बताया कि सिद्धि की नॉलेज तो है लेकिन स्वरूप में नहीं आते। कि अभी ऑर्डर मिले ऑलरेडी, जैसे बाबा ने पूछा कि यदि अभी ऑर्डर मिले कि 5 मिनट में व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त हो जाए, बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, तभी 5 मिनट में व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाए और पावरफुल स्थिति में एक ही स्थिति में स्थित हो जाए। ना कि ऐसा हो कि कभी बाबा कहीं बीज रूप स्थिति, कोई मनन की स्थिति में, कोई रूढ़वान की स्थिति में, या कोई अव्यक्त स्थिति में है। नहीं, तो बाबा कहते जब ऐसी स्थिति होगी ना तभी सभी संगठन मजबूत होगा, शक्तिशाली होगा। और उसके लिए बाबा ने बताया कि व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए, संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने तो एक कहा कि एक तो फेथ होना चाहिए और दूसरा समाने की शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि संगठन में जैसे घर में होता है ना कि किसी एक की गलती अपनी गलती लगती है और हम उसको फैलाते नहीं है, तो यहाँ भी बाबा कह रहे हैं ये भी अपना घर है, यज्ञ भी, यज्ञ रक्षक भी बनना है हमें, तो दूसरे की गलती को हमें फैलाना नहीं है ना, तो उसमें भी समाने की शक्ति को यूज करना है, फेथ रखना है और स्नेह की शक्ति से उसे समाप्त करना है। आज की मुरली में बाबा ने सारी विधियां भी बताई और उन्हें आत्मिक स्थिति का भी अभ्यास किया। बाबा ने अभी कमी बताई जिसके लिए रहम की भावना की भी कमी है। तो अभी हम सार से विस्तार से इसको सुनते हैं, कैसे बाबा ने आज महावीर आत्माओं की विशेषताएं बताई और उसके लिए विधि भी बताएं कि कैसे शक्तिशाली बनाया जाए संगठन को। शांति। महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं। विशेष पुरुषार्थ से विशेष अनुभवी बनाने वाले विशेष आत्माओं के प्रति शिव बाबा बोले। महारथी अर्थात महावीरों का संगठन। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता कौन सी होती है? वर्तमान समय विशेष आत्माओं की विशेषता यह होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस एक स्थिति हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहिए उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो, संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक हो। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में ही हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। सिद्धि की नॉलेज है लेकिन स्वरूप में नहीं आते। बाबा कहें बाबा ने सारी सिद्धियों को नॉलेज तो दे दी ना, भी कैसे धारण करना है,
लेकिन स्वरूप में नहीं आती। ऑर्डर मिले ऑलरेडी, विशेष नियमित बनी हुई विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है ना, क्योंकि नियमित बनी हुई करेंगी तो बाबा करें बाकी तो आपके पीछे ही है ना सभी आत्माएं, तो विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है ना। तो अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में, एकरस स्थिति में स्थित हो जाओ, वैसा अभ्यास है। 1 सेकंड के लिए देख भी सकते हैं अनुभव करके इसको। ऐसे नहीं कि कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रू रूहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रू रूहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए जिससे संगठन पावरफुल और एकमत हो जाए और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए। इसके लिए एक तो फेथ और समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया मानो रोंग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण वह समय प्रमाण, उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। संगठित रूप में जहां सर्विस है वहां उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए, संस्कारों को सामने न रख इसमें भी कोई कल्याण होगा, इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेद जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना, ठीक स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना। पाव कह रहे जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते, नहीं तो इसमें घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रोंग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के फेत रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली न करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट ना करो कि जो बात बीत गई उसे भी हम आज याद करते रहे, भले कि अब तक उसने वो संस्कार बदल भी दिया हो। इसलिए बाबा कह रहे कि कभी भी वर्तमान समय से टैली न करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट न करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हैं इससे ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एकरस स्थिति हो नहीं सकती। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा, तभी किसी की बातों को समा सकेंगे, गलती को अपनी गलती समझेंगे। परिवर्तन करने का फेथ, फेथ भी किस तरह के, दो तरह के, परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ। वो जैसे आत्मज्ञानियों के सिद्धि का गायन है वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प हो।
एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में न होने के कारण बिगड़े हुए हैं। जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है, वैसे रिजल्ट भी बिगड़ा हुआ। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रही। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना हो। अभी रहम की भावना कम रहती है। बाबा ने रिजल्ट निकाला कि क्या कमी है कि अभी रहम की भावना कम रहती है, क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। बाबा कह रहे हैं ये गुण शक्तियां जो बाबा ने बताई, तो उसको जब धारण करेंगे, तो अभी तो सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सत्युग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। बाबा कह रहे हैं देखो, जब श्रेष्ठ भी नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। अल्प काल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है, और सदा काल स्थिति में रहने वाले को सिद्धि प्राप्त ना हो, यह हो नहीं सकता। तो यह संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया, सामना करने की शक्ति, अंडरलाइन करेंगे इस बात को, सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। ये पापा ने बताया, परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती, फिर भी बाबा कह रहे हैं पावरफुल नहीं होता यदि सामना करने की शक्ति को यूज करते हैं। कोई भी बात नहीं भी जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प का बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब समाने की शक्ति को धारण कर। जैसे साकार बाप को देखा, बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दिया कि जैसे साकार बाप को देखा, अथॉरिटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही हैं, रचना है, लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों से रिगार्ड के बोल बोलते थे, कभी किसी को कुछ नहीं कहा, अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज नहीं किया। तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए। तो बाबा कह रहे उनकी विशेषताओं को बताते उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता था, जबकि बाबा सीधे सीधे किसी को भी कुछ कहते कह सकते थे, लेकिन कभी बाबा कह रहे उन्होंने अथॉरिटी को यूज नहीं किया, तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसा होना चाहिए। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी, देखो बाबा की क्या चाहना है, संगठित रूप में अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अर्थात आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं, किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो, तब ही बाप की जो शुभकामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में हो। एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तभी माला भी शोभेगी। दूर दूर दाना तो नहीं शोभता ना, धागा दिखाई देता रहे। तो एक मत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तब ही माला भी शोभेगी। दाना अलग होगा या धागा अलग अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं। अब प्रत्यक्षता वर्ष मनाने से पहले स्वयं में व निमित्त बने हुए सेवाधारियों के संगठित रूप से यह शक्ति भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। प्रत्यक्षता वर्ष में हमसे बाबा क्या उम्मीद रख रहे हैं, इस प्रत्यक्षता वर्ष मनाने से पहले स्वयं में व निमित्त बने हुए सेवाधारियों के संगठित रूप से
ये शक्ति भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। अगर स्वयं में ही शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं होगी तो बाप को प्रत्यक्ष करने में जितनी सफलता चाहते हो उतनी नहीं होगी। ड्रामा सर होना है वह तो हो ही जाता है, लेकिन निमित्त बने हुए को निमित्त बनने का फल दिखाई दे वह नहीं होता। भावी करा रही है, इसीलिए संगठित रूप में ऐसी विशेष प्रसाद की लेन देन और याद की यात्रा के प्रोग्राम होने चाहिए। विशेष प्रसाद अर्थात विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन, ऐसा संगठन पांडवों का होना चाहिए। ऐसे विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो फिर देखो विनाश ज्वाला को कैसे पंखा लगता है। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, वह है विनाश ज्वाला, यह है योग ज्वाला, जो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। आप लोगों के योग का साधारण रूप है तो विनाश ज्वाला भी साधारण है। बाबा ने कहा कि जैसे आपके योग साधारण है तो विनाश ज्वाला भी साधारण है। संगठन पावरफुल है, जैसे जब कोई चीज बनती है, बहुत सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे जब कोई चीज बनती है तो उसमें पानी चाहिए, घी चाहिए और नमक भी चाहिए, नहीं तो वह चीज बन ना सके। कितना ही सुंदर, कितने ही अच्छे से बनाओ, नमक ना हो तो उसके बगैर भी नहीं चलेगा ना। ऐसे लगभग तो चीज नहीं बन सके। वैसे हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यहाँ तो सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए। सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए क्योंकि समय भी अब चैलेंज कर रहा है ना। अच्छा, इस मुरली का सार है, संगठन में हलचल होने से ही सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। संगठित रूप से सबकी स्थिति की संकल्प रूपी उंगली एक होने से ही सिद्धि होगी। दूसरा पॉइंट है, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए एक तो एक दूसरे में फेर और दूसरा समाने की शक्ति की आवश्यकता है। सामना, तीसरा पॉइंट है, का सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे नहीं माया के आगे यूज करनी है। परिवार में सामना करने की शक्ति यूज करने से करने में संगठन पावरफुल नहीं होता। चौथा है, जैसे बाबा कह रहे कि जैसे कोई चीज बनाने के लिए घी नमक और पानी सब कुछ चाहिए, वैसे ही हर एक में अपनी अपनी विशेषता तो है, लेकिन सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए। जैसे काले कोयले के बगैर भी काम नहीं चलता, कई बार बाबा कहते हैं, वैसे ही हर की अपनी अपनी विशेषता है तो वो भी चाहिए, तभी बाबा ने उसको चुना है, उसको जग उसमें ज्ञान में लाया है। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का मौका देने के लिए। अभी 1 मिनट साइलेंस रखेंगे, फिर चिंतन करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। ममता बहन आप यहाँ पर होस्टिंग कीजिए। हाँ जी, अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार के। बाबा ने आज कहा है एक संगठन संगठन की शक्ति संगठित रूप में न होने के कारण बिगड़ी हुई है। दूसरी पॉइंट में है दाना अलग अलग होगा या धागा अलग अलग होगा तो माला सुगेगी नहीं। ओम शांति। हाँ जी, संगठन में जो माला बनी है ना लास्ट में, तो बाबा कहते हैं कि भी माला अच्छी नहीं लगती ना दूर दूर, तो संगठन में भी जब एकता होगी तभी अच्छा बनेगी माला भी। बहुत अच्छा। ओम शांति। आज हाँ की जी, मुरली में बाबा ने महावीर आत्माओं की विशेषताएं बताई हैं। तो बाबा ने कहा कि एक ही समय में सबकी एक रस एक एक स्थिति हो, और जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में सब संगठित रूप में स्थित होंगे, और सबके संगठन की सबके संकल्प रूपी उंगली एक होगी तभी सिद्धि होगी। तो संगठन में हलचल होने से ही सिद्धि में भी हलचल हो जाती है। संगठित रूप में सबकी स्थिति की संकल्प की अंगुली संकल्प रूपी अंगुली एक होने से ही सिद्धि होगी। तो इस संगठित रूप में हम सबको एक सबकी स्थिति संकल्प रूपी अंगुली एक होना जरूरी है, तभी फिर हमको सिद्धि मिलेगी। तब तक सिद्धि नहीं मिलती। ओम शांति। हाँ ओम जी, कहीं शांति। पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए नमिता जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि संगठन को जोड़ने के लिए जोड़ने का धागा है पेट। तो जितना जितना एक दूसरे से कल्याण की भावना स्वयं में परिवर्तन करने का इच्छा रखेंगे तो उतना यह धागा मजबूत होगी। जब कोई किसी ने गलत किया तो उसको अपनी गलती समझकर खुद उसको सुधारने के लिए प्रयत्न होना है। तो बाबा ने फिर किया कि व्यर्थ संकल्प नहीं चलना है बल्कि क्षमा देना चाहिए, स्नेह की शक्ति से ठीक करना है। कोई के गलती करना का उसको गलती करना है तो उसको अपने में क्षमा देना है उसको, और उसको स्नेह की शक्ति से ठीक करना है। तो संगठन में एक दूसरे को रहमदिल की दृष्टि से देखने से, एक दूसरे से कल्याण की भावना रखने से, एक दूसरे साथ मिलकर चलने से, फिर एक दूसरे में फेथ रहता है तो संगठन मजबूत बनता है और सफलता भी मिलता है। तो संगठन में सामना करने के बदले समाने की शक्ति को यूज करना है। बाबा ने कहा सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे नहीं देख, लेकिन माया के आगे यूज करना है। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली और एकमत बनाने के लिए एक दूसरे में फेथ रखना है और सामान्य की शक्ति को धारण करना। ओम हाँ शांति। जी जी दीदी, बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए ना आज बाबा ने, घर का भी हाँ हाँ दिया जी, और हाँ घी नमक वाला भी दिया। देखो, नमक भी ना हो तो बिल्कुल बेस्वाद लगती है सब्जी। तो आज बाबा ने किसी भी अच्छा, आत्मा को चुना। हाँ जी, तो हाँ कुछ तो जी, विशेषता होगी उनमें है ना, नमक हाँ के जी, बगैर भी हाँ जी, इंसान काम हाँ नहीं जी, करता। बहुत ही सुंदर लगा जो मुझे भी पढ़ रही। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, नमक ओम की सर, तरह लगने वाला व्यक्ति भी होगा ना, तो उसको भी हमें समाना है ना। तो जी, हाँ उसकी जी, भी विशेषता है कुछ ना कुछ, तभी तो लाया गया है ना, बाबा ने चुना उसको ना। तो अभी औरों को भी मौका देंगे, सभी को एक एक दो दो पॉइंट बोलते हुए हाँ हाँ जी, सभी बोल ओम सकते शांति, हैं। ओम हाँ, शांति। ओम शांति। ये भी हमारा बहुत सुंदर संगठन है ना, देखो इतना सभी चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब से चल रहा है, तो इसी वजह से ही चल रहा है कि एक एक धागा एक एक मत होकर चलता है। बाबा ने सभी को एक माला में पिरो दिया। शांति। हाँ जी।
जी बीके बी जाधव। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। जी बाबा ने आज कहा है, संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों का आपस में भी जो संपर्क की भाषा है वो अव्यक्त भाव हमेशा होना चाहिए। जैसे फरिश्ते एक दूसरे में बात करते हैं, किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करना चाहिए और न उसकी चर्चा करना चाहिए। ऐसी स्थिति हो तभी बाप की शुभकामना है कि संगठन की शक्ति बढ़ेगी। वो प्रैक्टिकल में उसको कैसा यूज करना है, जब दूसरे एक दूसरे की गलती समाएंगे तब संगठन भी पावरफुल होगा और 108 की माला बनेगी, एक मत का धागा बन जाएगा और संस्कारों में समीपता आएगी, उसमें दाना अलग नहीं होगा। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना कि संगठन में हलचल तो सिद्धि में भी हलचल है ना, तभी होती है ना। जब हलचल नहीं होगी तो तभी होगा। और वैसे भी कई बार वो कहते हैं ना कि जब सारे संगठन में एक ही मत होगी तभी तो विनाश होगा ना। तो अभी यहाँ भी कब जब एक संगठित बल संगठन में बल है तो उसी से ही हमारे अंदर का भी जो बुराइयां हैं उसका भी विनाश होगा। तो बहुत सुंदर ललिता दीदी सुनाए। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने मुख्य दो बातें कही ना, महावीरों में संगठन कैसे हो करके, तो संगठन के लिए जैसे बाबा ने कहा एक फेत कहा और दूसरा कहा समाना। तो फेत किस समय कहा बाबा ने, जैसे अभी संगठन बनता है तो जब संगठन में हम लोग देखते हैं कि हाँ परिवार अच्छी से चल रहा है, अब उस परिवार में जहाँ थोड़ी सी अनबन होती है, जहाँ मतलब थोड़ा सा लगता है कि इस आत्मा की कुछ कमजोरियां हैं, तो उस कमजोरियों को बाबा ने कहा उसके रूप से देखिए कि उसके कैसा होता है, कि नहीं उसकी ये गलती हुई, मतलब उस गलती का कारण क्या है, उसको अपने ऊपर लेकर देखिए, अगर मैं उस जगह होता तो कैसे किया होता। तो जब हम उनकी गलतियों पर फेंत करने लगेंगे तो संगठन टूटता नहीं है। तो बाबा ने पहले फेंत चाहा, लेकिन कई बार क्या होता है कि संगठन में हलचल आ जाती है उस समय, जब उनसे गलतियां होने लगती है, वो गलतियां पूरा सामने आ जाती, उस समय बाबा ने कहा उसको समाना, यानी समाना सेकेंड स्टेज है, पहले तो फेथ रखना होगा। और एक चीज जो बाबा ने कहा कि पास्ट को प्रेजेंट से नहीं मिलाना है, वो बाबा ने किस लिए कहा, क्योंकि बहुत हम ब्राह्मण आत्माओं में ही बहुत ज्यादा देखा हुआ है कि जब वो व्यक्ति सुधरने लग जाता है और जब वो अच्छा काम करता है तो हम उसके पास्ट को सामने लाते हैं, पहले तो ऐसा करता था, पहले तो उसने ये सब किया था, अब ऐसा करता है, और उसके पास्ट को मिलाने लग जाते, तो उसमें बाबा कहते कि बहुत लंबी क्यों लग जाती। बाबा ने इस स्थान पर ये कहा है। ओम शांति। कई बार क्या पता है वो सुधर भी गया, उसका संस्कार भी चेंज हो गया हो, और हम पीछे को ही देखते रहते हैं, ये पहले ऐसे था शायद ये वही है, तो हम बदलने का मौका नहीं दे रहे ना, फेत नहीं रख रहे ना, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं। तो भी फेत भी रखना ही होता है। देखो अब बाबा ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी दिया ना कि घर में भी एक मेंबर से कुछ गलतियां होती हैं तो हम कहाँ फैलाने जाते हैं क्या, लेकिन उस बातों को हम समाते नहीं है, तो उसको भी समाना ही है ना। ये भी बाबा का घर, अपना घर ही तो है, सब बाबा के बच्चे हैं, तो अभी यही परिवार ही अपना लगता है जैसे उस परिवार से भी, तो बाबा अगर उसमें भी नहीं फैलाते तो इसमें क्यों फैलाते हैं। समाना चाहिए हर चीज को, भाई बहन है अपने तो कोई, और वैसे भी करते करते सीखते हैं ना सभी, तो शुरू गलती भी हो रही है तो कर करके ही सीखा जाता है, हम भी सभी सीखते ही हैं। बाबा का एग्जाम्पल भी देना इस पे, ब्रह्मा बाबा का भी कैसे वो फेथ रखते थे ना, और थोटी होते भी है, थोटी का यूज नहीं किया उन्होंने कभी इस मामले में, तो बाबा कह रहे हमें भी ऐसे ही करना है। मीनू दीदी जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली में यही कहा है, मेन जो हमने धारण करना है एक समाने की शक्ति को करना है। और बाबा कहते हैं ना, माला तभी अच्छी लगती है जब मन के समीप और समान हो, तो हमने अपने अंदर वो समीपता के संस्कार भी लाने और समानता कायम रखनी है संगठन को चलाने के लिए। ओम शांति। आज बहुत गहरी और संगठन की जो प्रत्यक्षता भी संगठन से ही है ना, तो बाबा ने चलाई है इस पे मुरली, तो सभी इसका ध्यान भी था। मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा आत्मा होती है सभी के जीवन में, तो बाबा हमें सबको सिखा रहे हैं कि कैसे हमें उनके साथ भी
स्नेह की शक्ति से उन्हें चेंज करना, परिवर्तन करना, और कल्याण की भावना से। बहुत सुंदर। तो विजया विजय भाई जी है, विजय बहन जी हैं, जो भी हैं। ओम शांति, हाँ जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने संगठन को, जो कि एक फैमिली है, परिवार है, उसे हमारे लौकिक परिवार से जोड़ के, भेंट करके ये एक्सप्लेन किया है। तो बाबा कहते हैं कि घर में जब कोई गलती होती है किसी से, या फिर किसी का संस्कार खराब है, तो हम घर के अंदर ही उसको रखते हैं और उसको परिवर्तन करने के लिए उसकी सहायता करते हैं। खासकर बच्चे जब होते हैं तो माँ बाप कैसे सहायता करते हैं उनकी, और बाहर तो डेफिनेटली उसको फैलाएंगे नहीं। और यहाँ जो होता है संगठन में, तरह तरह के संस्कार के लोग जुड़ रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो नेचुरली कुछ तो कुछ टकराव होगा ही, क्योंकि संस्कार मिलन शुरू से तो होता नहीं है, धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो यहाँ भी, और बाबा फिर ये भी कह रहे हैं कि हर एक बदल रहा है, कि हर एक अपना पुरुषार्थ कर रहा है, तो यहाँ भी टकराव होने की संभावना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे घर में तुम नहीं फैलाते हो, उसी तरह यहाँ भी फैलाना नहीं। और यहाँ फैलाना कैसे हुआ, मुख से तो हम आजकल नहीं बोलेंगे, हम भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं तो मुख से नहीं बोलेंगे शायद, लेकिन बुद्धि तो चलेगी ना, संकल्प तो चलेगी। और संकल्प, क्योंकि हमारी ये जो संस्था है, वो हम सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो संकल्प में सोचना यह भी फैलाना हुआ, तो संकल्प में भी वो न आए, इसके लिए बाबा हमें सावधानी दे रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, संकल्प का ही हो रहा होता है। देखो, हम भी उनके सामने, यदि ऐसी कोई एक आत्मा तो सबके साथ होती है मेरी ख्याल से, तो जब भी बाबा ने इतनी सावधानियां दिया आज, तो चाहे लौकिक में है चाहे वो अलौकिक में है, तो ओरा रहता है, वो ओरा रहता है। हम उसके इतने करीब नहीं जा पाते ना जितने होने चाहिए। तो इसीलिए बाबा, देखो घर के जो दूसरे बच्चे हैं ना, तो उनके प्रति और एक थोड़ा सा रिश्तों के भी हिसाब से चलता है ये भी। तो लेकिन बाबा ने आज कहा कि जितना आपका, जब आगे बाबा ने रिजल्ट भी नहीं, कि भी व्यक्त स्थिति बनाने के, व्यक्त सामने वाले से भी व्यक्त होकर बोले, फरिश्ता रूप में बोले, तो कब हो सकेंगे, जब हमारी ये बिल्कुल एक सम स्थिति होगी, समाने की शक्ति, फेत होगा दूसरे पे। और फेत कैसे, कि बाबा ने चुना है, देखो है ना, कोई आत्मा में कोई विशेषता तो है ही है ना। तो बाबा ने कहा ना कि 99 बुराई भी तो एक विशेषता है ही है, और यहाँ तो खास ही कोई विशेषता जो बाबा यज्ञ में लेके आए, ज्ञान में आए, अपने परिवार में आए, संगठन में आए, तो उसमें तो हमें फेत रखना ही है। कोई अपना प्रैक्टिकल भी अनुभव बता सकते हैं, भी ऐसे ऐसे आत्मा थी तो कैसे हमने चेंज हुआ, इसमें कैसे परिवर्तन हुआ, जैसा बता सकते हैं। विशाली दीदी जी सुना सकते हैं। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। कि संगठना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्यों संगठन से ही माउंट आबू में बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं। तो संगठन में आकर एक दूसरे की थोड़े से संस्कार मिलन होता है, टकराव होता है, लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया है, ये जो भी हमारे संगठन में टकराव होगा तो हमें समझना चाहिए कि बाबा हमारी टेस्टिंग ले रहे हैं, कि मेरे बच्चे कैसे संगठन में रहकर कैसे एकजुट स्नेह से प्यासे रहते हैं। तो मैडम, हम जो SFI में थे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, विद्यार्थी संगठन में थे, हो एक दूसरों का जो था प्रॉब्लम विद्यार्थियों का, तो वो है ना, हो नहीं पा रहा था, लेकिन हम संगठित होकर वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता था, और कोई भी निवेदन वगैरह देना था किसी को, तो ये संगठित का रूप देखकर वो सच्चाई की जीत हो जाती थी। तो संगठन पर इम्पोर्टेंट है, संगठन से बहुत बड़ी बीमारी भी ठीक होती है, तो संगठन को बहुत ही इम्पोर्टेंट देना चाहिए। क्योंकि एक लड़की लकड़ी होती है वो टूट जाती है, लेकिन इकट्ठा लकड़ियां इकट्ठा करे हो तो वो टूट नहीं पाती, इतनी एकजुट होना बहुत जरूरी है, संगठना इम्पोर्टेंट है। ओम शांति। जी दीदी, बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम भाई ओके, जी, ओम पुरुषोत्तम शांति। भाई, हाँ जी। जी।
तो बाबा ने पहले ये बताया कि एक स्थिति होनी चाहिए सभी की, है ना, एक स्थिति होनी चाहिए। उसके बाद बाबा ने बताया कि एक स्थिति क्यों नहीं होती है, तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प, है ना। तो बाबा ने बोला कि व्यर्थ संकल्प आते हैं इसलिए एक स्थिति नहीं होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं। सपोज आप योगी बैठे हैं और व्यर्थ संकल्प आ रहा है, व्यर्थ संकल्प तभी आते हैं जो हमें बातें या संकल्प कर्म हमने देह भान में किया, वो सभी बातें। सपोज हम योग में बैठे हैं, तो योग में तो हम एक इंटेंशन से बैठते कि हम एक स्थिति में बैठेंगे, लेकिन उस समय क्या होता है कि जो भी बातें हमने देह भान में किया है, चाहे सेवा किया है चाहे अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन देह भान में किया है, तो वो सारे बातें याद आती है। जैसे कि पॉपअप होता है ना, जैसे हमने इंटरनेट बंद कर दिया तो, और बाद में बहुत समय के बाद चालू किया, व्हाट्सएप में कैसे वो मैसेज पॉपअप होते, जैसे लगता है कि पागल हो गया ये व्हाट्सएप, है ना, एकदम सारे मैसेज आ जाते हैं। वैसे ही हम अगर सारा दिन भर देह भान में रहेंगे और 1 घंटा सिर्फ योग में बैठेंगे, तो सारे जो संकल्प बोल कर्म हमने देह भान में किए हैं वो पॉपअप हो जाएंगे। इसलिए वह बोलते हैं ना सदा सदा निरंतर निरंतर, तो इसलिए वह बोलते हैं कि एक स्थिति नहीं हो पाती है। और उसके बाद बाबा ने बोला कि रहम, जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे ना, तब हमें पता पड़ेगा कि ये आत्मा ये मतलब गलती करके भी बार बार गलतियां कर रही है, क्योंकि उनको पता नहीं है, तब ये रहम की भाव आएगा। नहीं तो तब तक हम उनको स्वीकार भी नहीं कर सकेंगे, है ना। ये बातें अब हम बोल रहे हैं कि एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल जब होगा ना, तब असली पेपर हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी वो रहम का भाव आ जाएगा। तो अभी भी हम ये चेक कर सकते हैं कि जब से ये कॉल चल रहा है तब से हमारे आत्मिक स्थिति थी, अगर इतनी शांति के समय भी हमारे आत्मिक स्थिति नहीं रह सकती है, तो फिर हलचल के समय अशांति के समय कैसे रह सकती है। ओम शांति, थैंक ओम शांति भाई जी, यू। आपने आपने ये बोला क्या कि दिन भर भी बाबा की याद रहे, व्यर्थ संकल्प होगा दिन भर में, तो 1 घंटा आप योग करेंगे तो वो नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं भाई जी आप? हाँ जी, मतलब दिन भर में अगर हम देह भान में हैं और बाद में अगर हम इस देह से देही अभिमानी बनने जा रहे हैं, तो जो भी हमने देह भान में किया है वो व्यर्थ संकल्प के रूप में पॉपअप हो जाएगा, माना आ जाएगा। जैसे हमारा नोटिफिकेशन कैसे आता है व्हाट्सएप का, वैसे सब वो इमर्ज हो जाएगा। अच्छा ओम अच्छा शांति। जी, ये तो शायद सभी को अभ्यास भी है ना, कभी कभी ज्यादा चिंतन में रहेंगे और थोड़ी देर बैठेंगे तो आते ही हैं वही संकल्प जो दिन भर में किया हमने। और एक बात और भी समझ में आई जब आप बता रहे थे भाई जी कि वाकई जब संगठन में रहते तब अपनी कमियों का भी पता चलता है, यहाँ हमें अभी और काम करना है, अभी हमें यहाँ देह बहाना है या कुछ स्थिति की कमी है, तो संगठन में ही पता चलता है, वो भी अकेले रह के नहीं पता चलता। जी पूनम दीदी जी, ओम शांति। बाबा ने बहुत सुंदर बताया है कि संगठन में अगर कहीं पे योग वगैरह हो रहा है या क्या, जो ऑर्डर हो कि 5 मिनट में, 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर, बीज रूप पावरफुल स्थिति में अगर एक रस स्थिति हो जाए, तो ऐसा अभ्यास है बाबा पूछ रहे हैं। तो वो बाबा ने समझाया है कि अगर बोला गया है कि एक ही संकल्प हो बीज रूप स्थिति का, तो दूसरा किसी का अगर चल रहा है कि कोई कोई बोलता है नहीं, हम तो मनन कर रहे थे, कोई बोलता है हम शिव बाबा से रूढ़ ध्यान कर रहे थे, और कोई बोलेगा मैं तो अव्यक्त स्थिति में स्थित था, तो बाबा ने कहा है फिर वो संगठन में एक रस्ता नहीं रहेगी, और वो संगठन मीन्स जैसे बाबा बोलता है कि पावरफुल होगा तो वो नहीं हो पाता है। तो भले ही वो उस टाइम ज्ञान में है, रूढ़ ध्यान कर रहा है, लेकिन नहीं, अगर दिया गया है एक संकल्प कि बस बीज रूप स्थिति में रहना है, तो सारे के सारे जितने भी है संगठन में, सब के सब जब बीज रूप स्थिति में रहेंगे तभी ही वो संगठन पावरफुल बनेगा। तो बाबा ने बहुत अच्छा बताया, और भाई जी ने भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि रोज के रोज हमें हाथ में वो जो चीज होती है उसके हिसाब से, भाई जी ने जैसे बोला कि कैसे वो पॉपअप हो जाता है, और भाई जी मेरा चिंतन एक वो भी चला कि
कि हम अभी ऐसी प्रैक्टिस करें कि जैसे ही हमारे हम योग करने बैठे और अगर वो पॉपअप हो गया तो वो निकल जाए, 1 सेकेंड में हमारे दिमाग में ना रहे। मेरा ये थोड़ा आगे चिंतन चला है। और ओम शांति। हाँ जी रजनी दीदी। ओम शांति। अभी सभी आत्माओं ने जैसे सारा अपना मनन चिंतन कहा है, तो ये संगठन का ही तो हमें फायदा मिलता है। जो हमारे में कमियां हैं और हमारी एडिशन होती है, हम आके सीखते हैं यहाँ पे, हर एक से कोई ना कोई विचार मिलता है हमें, वो संगठन लेके हम अपने आप में जो कमियां हैं और पावरफुल बनाते हैं इसको, और उस पावर को हम फिर यूज करते हैं यहाँ पे, तो भी संगठन में मजबूती होती है। जैसे कहा कि अभी पहले भी अव्यक्त मुरली, और सच बात है कि ये जो संगठन अव्यक्त मुरली का भी जो चल रहा है, इससे बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट अपने में आ रही है, प्रैक्टिकली में आ रही है। पहले तो सुनना ही था, बट अब मंथन करके धारण करना जब हो जाता है ना, तो पता चलता है अपनी क्वालिटी क्या है, और हर एक संगठन के एक एक मोती के प्रति हम कहते हैं कि कितना कितना पावरफुल है, और उससे एक एक चीज बिल्कुल हमें मिलती है। ओम मैम। शांति, ओम शांति। हाँ जी राम राव भाई जी। बीके राम राव। ओम हाँ जी शांति ओम शांति। सर। ये एक स्थिति के लिए कल का मुरली में बाबा ने अच्छी तरह बताया कि बाबा का फर्स्ट फरमान है कि साधु निरंतर मेरे याद में रहो, वो भी आप फॉलो नहीं करते हैं। तो उसका सजा तो ये देहबान है, उसके वजह से व्यर्थ संकल्प आते हैं और योग भी शुरू होते हैं। तो पहले चीज ये याद रखना है कि बाबा का पहला फरमान है मुझे निरंतर याद करो। तो जब बाबा निरंतर याद रहेगा तो आत्मा याद रहेगा, आत्मस्थिति याद रहेगा, तो कोई व्यर्थ संकल्प आएगा ही नहीं। ओम शांति। देखो बाबा ने तो बड़ी उम्मीद रख के ये कहा, यदि अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त हो सकती है, क्या सदा काल वालों को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है? बाबा को तो हर एक बच्चे में उम्मीद है, वो हमारे में ही अभी बाबा कह रहे थोड़ी थोड़ी सी जो है वो बाबा आज भरना चाह रहे हैं। तो भोपाल भाई जी बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने पहली ही लाइन में जो सोमांत महारथी अर्थात महावीरों का संगठन, बाबा ने आज हमें बहुत सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें संगठन में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार में आना है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, इतने बिल्कुल सटीक एक वो हम कभी भोपाल धारण भाई कर जी पाएंगे आपका महाभारत। आवाज। हाँ जी भाई जी, कट हो रहा है आवाज। जी अभी आ रहे हैं, आप शेयर कर सकते। ओके। हाँ तो ये हम तब तक अपने अंदर धारण नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपना लक्ष्य लेकर साथ नहीं चलेंगे। क्या है ठंड में जो बाबा ने कहा है कि समाना है, सहन, किसी को सामना नहीं करना है। जब तक वो हमारा लक्ष्य फाइनल नहीं कि मुझे ये बनना है, तभी मैं सहन कर पाऊंगा, समा पाऊंगा, और वो मुझे बल देगा आगे बढ़ने के लिए। ऑप्शन जी बहुत अच्छा, लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ये मतलब ऐसी नैया है कि उसको कहाँ जाना है पता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ना कि ये अपने घर का काम है ना। हम वैसे हमारा सोमान भी है मास्टर सर्वशक्तिवान, मान हम फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल है आफ्टर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। बहुत अच्छा सबका मनन चिंतन रहा। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप सभी को पोल दिखाई दे।
जी ममता बहन, आप होमवर्क दे सकते हैं और 2 मिनट योग भी करा सकते हैं। जी भाई जी। तो यही अभ्यास करेंगे दिन में आज, कि कोई ना कोई आत्मा तो अपने पास है ही है, जिसके साथ संगठन में हमें सेवा संगठन में आना होता है और कार्य भी करना होता है। तो कोई ना कोई मतलब जैसे बाबा ने आज कहा ना कि कोई एक आत्मा होती है जिसकी गलती को हमें समाना है, तो आज उसी आत्मा को हम सामने लाते रहेंगे और उसे आत्मिक स्थिति में देखते रहेंगे कि आत्मा है, भाई है और बाबा ने इसे ये पाठ दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा उससे आज ही हम ये हिसाब किताब चुप्पी करेंगे कि कभी भी हमारे हमें उसकी गलती दिखाई ना दे। उसमें फेथ भी रखेंगे और समानने की शक्ति को भी यूज करेंगे। तो ये आज की आज हमें आज इस हिसाब किताब को चुप्पी करना है, क्योंकि कोई एक आत्मा जरूर होती है जिसके साथ हमारा कुछ ऊपर नीचे रहता है। और दिन में हम बाबा ने जैसे कहा ना कि व्यर्थ संकल्प बिल्कुल भी ना चले। यदि हम अभ्यास में बैठे हैं, जिस चीज के भी अभ्यास में बैठे हैं, यदि बीज रूप के अभ्यास में बैठे तो बीज रूप का ये अभ्यास हो, कोई भी संकल्प नहीं चले। तो हम अपने आप को प्रैक्टिस देते रहेंगे, एक एक संकल्प देंगे पर उसी में अपने को चेक करेंगे कि वाकई ही हम 5 मिनट उसमें बैठ सकते हैं, उस स्थिति में कोई रू रूहान की स्थिति तो नहीं है आ रही है, बीच में मनन करने की तो नहीं आ रही है, सिर्फ एक एक टक एक रस स्थिति वही जो हम अपने को अभ्यास दें। तो ये सारे दिन में देख अपने को चेक करते रहना, अभ्यास देखते भी रहना, अभ्यास भी करते रहना और चेक भी करते रहना, तो हम अपना आगे अभ्यास बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे जैसे बाबा ने आज कहा ना कि दिन में बार बार जो अभ्यास दिया जाता है तो चेक करना। तो अभी हम एक ही टिक बस बीज रूप स्थिति में अपने को स्थित करते हैं और बाबा को याद करते हैं, बस एक ही संकल्प बीज रूप स्थिति में, मैं और मेरा बाबा ज्योति बिंदु आत्मा के सामने, मैं आत्मा बस बाबा में समा जाएंगे। इसी 1 मिनट में 2 मिनट में यही अभ्यास करते हैं, स्थित हो जाए बीज रूप स्थिति में। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का इस कॉल में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया। हैव अ गुड डे।